नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचकर स्थानीय लेखपालों से मांगा सहयोग। उधम सिंह नगर के जसपुर में उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार ताराचंद खिलडियाल ने जसपुर तहसील में पहुंचकर स्थानीय लेखपालों से सहयोग की मांग की। आपको बता दें कि इससे पूर्व में भी एक बार उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष पद रहते हुए प्रदेश के लेखपालों के हित में 5 बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पद के दावेदार ताराचंद खिलडियाल ने बताया कि इस बार उत्तराखंड लेखपाल संघ का 5वां महाअधिवेशन 2 व 3 दिसंबर 2022 को राजधानी देहरादून के नगर निगम में स्थित टाउन हॉल में किया जाएगा। इसी के साथ ताराचंद खिलडियाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यदि इस बार अध्यक्ष पद उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है तो वह प्रदेश के लेखपालों के हित में अनेकों प्रकार के काम किए जाएंगे। जैसे 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके लेखपालों का नायब तहसीलदार की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देना तथा लेखपालों को VIP ड्यूटी से पुण्यतालक किया जाना आदि। वही इस अवसर पर लेखपाल धीरेन्द्र नेगी, धीरेन्द्र तनवार, इंदु भट्ट, कुलदीप नेगी, भगत सिंह, नवनीत चौहान आदि मौजूद रहे। उधम सिंह नगर संवाददाता मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। उसमें धोखाधड़ी की संभावनाएं बहुत बढ़ गई है। हम कहते हैं कि यदि हम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं तो हम तत्काल प्रमाण पत्रों पर कोई भी कार्य नहीं करेंगे जब तक हमारा लेखपाल इसमें संरक्षित ना हो। ये हमारी गारंटी है, तीसरी गारंटी है। और चौथी गारंटी के रूप में है हमारे लेखपाल क्षेत्रों का पुनर्गठन। जैसा कि विदित है, उत्तराखंड बनने के बाद तमाम तहसीलों की तो स्थापना हमने कर दी है, लेकिन उन तहसीलों में जो लेखपाल क्षेत्र हैं उनका पुनर्गठन अर्थात लेखपाल क्षेत्रों में इजाफा नहीं हो पाया। वर्तमान में उत्तराखंड प्रदेश में 428 लेखपालों का कैडर है, लेकिन कार्य क्षमता और जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या घनत्व को देखते हुए ये लेखपालों की संख्या कम है और अत्यधिक दबाव लेखपालों पर है। तो हम चाहते हैं कि लेखपालों की संख्या कम से कम 1000 हो ताकि 500 से अधिक जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार भी मिल सके और जनता का काम जो है आसानी से हो सके और ई गवर्नेंस और हमारी जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संपादित हो सके। जो अवकाश है, अन्य कार्यालय में हमारे कर्मचारियों को जो एक अवकाश मिलता है उस अवकाश से भी हमें महरूम रखा है। तो हमारी दरख्वास्त है यदि हम अध्यक्ष पद पर चुने जाते हैं तो हम प्रत्येक लेखपाल को रोटेशन वाइज, हम कह रहे हैं रोटेशन वाइज में हमें साप्ताहिक छुट्टी दीजिए, किसी को सोमवार को छुट्टी दीजिए, किसी को मंगलवार को छुट्टी दीजिए, क्योंकि 24/7 हमारा लेखपाल काम करता है। तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद जो उत्पीड़न की कार्रवाई हमारे उच्च अधिकारियों के साथ होती है उसमें कम से कम उसका मानसिक उत्पीड़न ना हो, अपने परिवार के साथ कम से कम एक दिन व्यतीत करने का उसे मौके पर लेखपाल, बल्कि VIP ड्यूटी के नाम पर लेखपाल तहसीलदारों पर भी जो आर्थिक बोझ जिला प्रशासन के द्वारा डाला जाता है समय समय पर, हमारे इस समय में इसमें इस के मामले में हमारा मानना है जिस प्रकार चीफ सेक्रेटरी महोदय के द्वारा घोषणा की गई कि SDMs को हम VIP ड्यूटी से पृथक रखेंगे, तो हमारा उनसे निवेदन है, हमारा शिष्टमंडल जल्दी ही देहरादून में उनसे मिलेगा और हम इस बात को लागू करवाएंगे कि न केवल SDMs बल्कि हमारे पटवारी, कानून को और तहसीलदार भी VIP ड्यूटी से मुक्त रहे। इसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल विभाग हो और अग्रिम रूप से इसमें बजट की व्यवस्था हो, जिस प्रकार बजट की व्यवस्था अन्य मदों में होती है। आप आपदा मद में होता है, SDRF और NDRF का पैसा मानसून सत्र से पहले आता है, तो VIP कोटे का भी पैसा अग्रिम रूप से हमारी तहसीलों पर वो जो प्रोटोकॉल विभाग जो बनेगा उसके जिम्मे आना चाहिए ताकि जो हमारे पटवारी साथी हैं, हमारे तहसीलदार से उन पे जो है अनैतिक रूप से आर्थिक बोझ जो पड़ रहा है उसको भी हमें दूर करना चाहते हैं। सुशासन की नीति यदि ई गवर्नेंस की बात करती है हमारी उत्तराखंड सरकार।